मंत्री जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बनारस में है, समीक्षा बैठक की है, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग लंबे समय से पूर्वांचल के 32 लोकसभा सीटों में हम लोग पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। इधर 6 साल से प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर, 75 जिले में और साथ साथ बिहार के 38 जिले और 40 लोकसभा सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो संगठन अपना हम लोग तैयार करते हैं, अब जब समय आता है, 2-3 महीने रहता है, तो गठबंधन होते हैं, पूरा प्रदेश और देश गठबंधन से जुड़ जाते हैं। एक तरफ जहां आप यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से? भाई, उनका काम है विपक्ष में है विरोध करना, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की बात है, गोवा में अपने देश में ही एक स्टेट है गोवा में लागू है, दुनिया के कई देशों में लागू है। कुछ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग व्यवस्था है, तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को, आदिवासियों के लिए जो अलग कानून है, उन आदिवासियों को साथ में सबको एक जगह बैठा करके बातचीत करके इसको लागू करें, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी, लगातार विपक्ष की बैठकें चल रही हैं और अखिलेश यादव लगातार सभी पार्टियों से मिल रहे हैं, नई रणनीति बनाने की तैयारी है, पीएम का चेहरा भी लगाया जा रहा है। हर नेता ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। यूपी की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती जी का चेहरा है, 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री बन गया है, दलित बाकी है, दलित में उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है देश में और कुछ है शासक भी रही है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें पीडीए वर्सेस एनडीए बताया जा रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए नहीं पीडीए की सरकार बनेगी। तो पीडीए में जो सामान्य वर्ग है उनको तो इस्तीफा दे के चले जाना चाहिए था, जब पीडीए में सामान्य वर्ग की जरूरतें नहीं है, जो लोग हम तो बेकार हैं, उन्होंने बाजा बजा रहे हैं, उनको तो लौट जाना चाहिए छोड़ के। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, 12 तारीख को फिर बैठक होने जा रही है, सीटों को लेकर के बातचीत हो सकती है, क्या आपसे आपकी किसी से बातचीत हो कि हमारी, हम 7 अक्टूबर को एक कार्यक्रम गांधी मैदान पटना में रखे हैं और वहाँ वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे कि पुरुष करे तो रासलीला, अब महिला करे तो करेक्टर ढीला। मतलब महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप नौकरी, 50% आबादी है अभी, नहीं आप घबराओ नहीं, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराऊंगा, कानून ये खुद बनाएंगी। आप इस बात को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं महिलाओं को? बिल्कुल बढ़ावा देंगे, नौकरी पाने के बाद आप मनमानी करेंगे।